व कडव्यानुसार अभंगवाणीचा भावार्थ समजून घेऊया. कतीला काट्यांचे वेढे भीतरी निपसती केवडे तैसे साधूचे शब्द गाडे परोपकारा लागी. फणस सर्वांगी काटावले भीतरी महागोडीने कोंदले तैसे साधू हृदय झाले बोधा संगे परियसा. नारळ कठीर दिसे बाहेर भीतरी खोबरे अरुवार तैसे साधूचे अंतर बोधे वोसंडले. ऐसा सद्गुरुशी धरा भाव तो कैसा करावा उपाव. शेख महम्मद सांगती सेव सभे श्रोत्यांपती. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आपण पहिल्या कडव्याचा भावार्थ समजून घेऊया. तिला काट्यांचे वेढे. मी तुम्हाला शब्दार्थ चा अर्थही सांगणार आहे, ते तुम्ही आपल्या पुस्तकात नोट करून घ्यावे. केकती केवड्याचे झाड. एक दरख्त जो की केवड़ा, जिसे हम उर्दू में जाफरान कहते हैं, हम मसालों में उसका इस्तेमाल किया करते हैं, तो उसका पेड़. भीतरी निपजती केवड़े, वेढ़े यानी कि घेर ले ले, घेरा हुआ. भीतरी यानी अंदर, निपजती यानी निर्माण होना या फिर पैदा होना. केवड़े केकतीला काट्यांचे वेढे भीतरी निपजती केवड़े. जो केकती का दरख्त है वो चारों तरफ से कांटों से घेरा हुआ है, लेकिन भीतरी अंदर उसके क्या निर्माण हुआ है, केवड़ा, सुगंधी केवड़ा यानी खुशबूदार जाफरान निर्माण यानी कि पैदा होना. तैसे साधु के शब्द गाड़े परोपकारा लागी, इसी तरह साधु के शब्द यानी अल्फाज भी कैसे होते हैं, गाढ़े होते हैं, जिसमें कोई ना कोई अर्थ छुपा होता है. ऐसे शब्द साधु इस्तेमाल करते हैं, यानी उनके जो अल्फाज होते हैं वो इबादत गुजार वाले अल्फाज होते हैं और गाढ़े अल्फाज होते हैं. उनके अल्फाज में कोई ना कोई मतलब छुपा होता है और यह वो दूसरों पर क्या करते हैं, उपकार करते हैं, यानी ऐसे अल्फाज दूसरों के लिए वो इस्तेमाल करते हैं. फनस सर्वांगी काटावले भीतरी महागोड़ी ने कोंदले. अब यहां पर फनस जिसे हम कटहल कहते हैं और इंग्लिश में हम जैकफ्रूट भी कहते हैं. फनस सर्वांगी काटावले, फनस जो है सब तरफ से कांटेदार होता है यानी कि वो भी कांटों से घेरा हुआ होता है. भीतरी महागोड़ी ने कोंदरे, लेकिन उसके अंदर जो मिठास होती है वो कैसी होती है, अमृत होती है. और बाहर से तो वो हमको कांटे भी दिखता है, बाहर से तो हमें वो कांटेदार दिखता है, लेकिन अंदर से कैसा होता है, वो नरम होता है और मीठा होता है. इसी तरह तैसे साधु हृदय जाले बोधा संगे परियसा, इसी तरह साधु के अल्फाज भी होते हैं, साधु भी इसी तरह बाहर से कैसे होते हैं, बिखरे हुए होते हैं, फटे पुराने कपड़े वो पहनते हैं. साधु दिखने में कैसे होते हैं, वैसे भगवान रंग के कपड़े पहन लिए या फिर ऐसे सादे कपड़े पहने हुए होते हैं और वो इबादत गुजार होते हैं, वो खुदा की इबादत में इतने मशगूल होते हैं वो कि उनको दुनिया की कोई परवाह नहीं होती और वो अपने आप को अपने बाह्य रंग को नहीं देखते. उनका जो दिल होता है, उनका जो मन होता है वो कैसा होता है, अमृत जैसा होता है. उनका मन और उनका दिल साफ होता है ना. अब देखो हम तीसरा उदाहरण देखेंगे. नारळ कठीण दिसे बाहेर भीतरी खोबरे अरुवार. हमने नारियल तो देखा ही है, नारियल कैसा होता है, तनक है ना, बाहर से बहुत हार्ड होता है, कठिन होता है, लेकिन भीतरी यानी अंदर से खोबरे अरुवार,
यानी अंदर से जो उसका खोपरा होता है वो कैसा होता है, कोमल होता है, नर्म होता है, मुलायम होता है। तो इसी तरह साधु जो अंतर बोध है वो संडले, इसी तरह साधु का अंतर अंतरंग यानी कि मन भी कैसा होता है, मुलायम होता है, नर्म होता है। वो भले ही बाहर से दिखने में कठिन हो, बोलने में उनके अल्फाज बहुत ही हार्ड हो, लेकिन फिर भी उनके दिल में क्या होती है, नरमास होती है, रहम होता है, क्योंकि वो हर वक्त खुदा की इबादत करने में मशगूल होते हैं। और जो खुदा की इबादत करता है उसका दिल नर्म होता है और उसके दिल में रहम होता है। ऐसा सदगुरु जी धरा भावो तो कैसा करावा उपाओ, शेख मोहम्मद सांगु की सेवा सभे श्रोत्यान प्रति। देखो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि अगर आप ऐसा भाव सदगुरु से रखेंगे तो सदगुरु आप पर कैसे उपकार करेंगे, कैसे उपाव करेंगे। इसलिए यहाँ पर शेख मोहम्मद सांगति से वो यह एक सभा के अंदर यह अभंगवाणी को पढ़ रहे हैं और यहाँ पर सारे श्रोता जो है सभा में बैठे हुए वो उनकी अभंगवाणी को सुन रहे हैं और वो साधु के निकट उन्होंने इन तीन उदाहरणों द्वारा हमको दिए हैं। पहला उदाहरण था केकती, यानी केकती का दरक, जाफरन का दरक, और दूसरा उदाहरण था फनस, फनस यानी कि कटहल, जैकफ्रूट, और तीसरा है नारियल, नारियल यानी कि नारियल जो कि कठिन होता है। तो ऐसे तीनों उदाहरण द्वारा उदाहरण देकर उन्होंने इस अभंगवाणी को हमें समझाया है। इस अभंगवाणी के जरिए उन्होंने हमें साधु के अंतरंग को दर्शाया है।